अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो सीरीज ऑफ लेक्चर वी विल बिगिन आवर डिस्कशन ऑन फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। देखें, कोई भी फंक्शन अगर उसकी रेंज एक रियल नंबर आ रही है, ठीक है, जो हम उसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आउटपुट हमें दे रहा है वो रियल नंबर हो, सो वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा। इन केस अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो, दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तो रियल फंक्शन होगा। इसको एग्जांपल से वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस वन है, हम रियल नंबर्स पुट कर रहे हैं इसके अंदर, डिफरेंट 1, 2, -3/2, नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे पास एवरी टाइम रियल नंबर आ रहा है। सो उसकी डोमेन हमने एंटर किया 1, तो रियल नंबर आ रहा है हमारे पास रेंज में भी 2, सो ये रियल फंक्शन होगा। हर रियल फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है, लेकिन कुछ रियल फंक्शन जिनकी डोमेन ना हो तो वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन ना हो, सॉरी हमने इसमें डोमेन पुट किया 0, ठीक है, हमारे पास रेंज आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो इस तरह जाहिर हो गया कि हर रियल फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने डोमेन तो रियल नंबर पुट किया, लेकिन रेंज उसकी हमारे पास रियल नंबर में नहीं आ रही, इमेजिनरी फॉर्म में आ रही है, ठीक है। सो हमने डोमेन पुट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रेंज रियल नंबर में नहीं आ रही है। टॉपिक नंबर 2 है MTS 621 का, के लिमिट्स क्या होती हैं। देखिए, लिमिट्स लेफ्ट हैंड पे भी होती हैं, राइट हैंड पे होती हैं, हमने बहुत डीपली डिस्कस किया। देखिए, लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, जब एडिशन में होंगे तो लिमिट्स को अलहदा कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी लिमिट्स को अलहदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई में लिमिट्स को अलहदा कर लेंगे, डिवाइड में भी लिमिट्स को अलहदा कर लेंगे, ठीक है। ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं तो लिमिट्स के क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं लिमिट की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास साइन एक्स माइनस वन, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमने, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू वन है, यहाँ पर लिमिट गिवन होगी। सो हमने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एच अप्रोच जीरो करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होता है उसको 1 - h से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 1 - h से रिप्लेस कर दिया। मैंने लिमिट अप्लाई की, हमारे पास साइन इन्फिनिटी आंसर है। अब साइन इन्फिनिटी है तो ये तो कोई वैल्यू नहीं देगा हमें, ये ऑसिलेट करेगा -1 और +1 के दरमियान। हमने कहा था लिमिट यूनिक होती है किसी फंक्शन की, हमने थ्योरम प्रूव किया। सो यहाँ पर लिमिट यूनिक नहीं है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखें साइन एक्स इंटू 1/x, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम एच अप्रोच जीरो, एक्स को 0 - h से रिप्लेस किया हमने यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें -h था, ठीक है, साइन -θ - sin θ हो जाएगा, ठीक है। सो -- से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें sin 1/s एक वैल्यू देगा हमें, ऑसिलेट करेगा पीछे की तरह, ठीक है, -1 और +1 के दरमियान। जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आता है, सो इसकी लिमिट यूनिक है। इसी तरह हम 0 + h करेंगे, ठीक है, हमारे पास तब भी एक वैल्यू आएगी, और लिमिट अप्लाई करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में तब भी 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, और लिमिट ऑफ फंक्शन बराबर है, ठीक है, 0 0 है। सो ये आज के लेक्चर में हमने लिमिट को डिस्कस किया और फंक्शन को डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया रियल वैल्यू फंक्शन क्या और रियल फंक्शन क्या है।